अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और आपके साथ मैं हूं आपका मेज़बान इरफान मलिक। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं डीसी ऑफिस कुपवाड़ा के सामने और यहां पर एक ज़ोरदार एहतजाज हुआ कल। यहां पर एक सब जेल में एक सोपोर से ताल्लुक़ रखने वाला एक कैदी जो रेप केस में बताया जा रहा है कि वो रेप केस में बंद था यहाँ पर और उसकी मौत वाक़ हो गई है और उसकी जो मौत की वजह है वो डॉक्टर्स पता लगा रहे हैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवाड़ा में। मगर यहाँ पर जो फैमिली है उस शख्स की वो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है उनका ये आपको सुनाते हैं। सोपोर से जी, मसला क्या हुआ है? मसला ये हुआ है कि जो लतीफ अहमद मीर है, बड़ो बड़ो लतीफ अहमद मीर जो है वो ग्राम के हैं, सोपोर के हैं। तो वो बंद थे कुछ महीनों से, कोई साबित नहीं हुआ है, कोई जुर्म नहीं हुआ है, अभी तक उसकी कोई रिमांड नहीं है, बस ऐसे ही हिरासत में लिया गया था। सुबह खबर आ गई 5 बजे कि उनकी डेथ हुई है, हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई है। डेथ का रीजन बता दिया, डेथ का रीजन बताया गया, कोरोना पॉजिटिव हुआ। 5 बजे जेल के बाहर पहुंच गए तो वहां पर उनका इंचार्ज होता, बोला लतीफ अहमद, हाँ वो अच्छा लड़का था, बोला 4 महीने से उसने एक टैबलेट भी नहीं खाई है, 4 महीने से जो जहां पर वो था जहां से उसको लाया गया, 4 महीने एक टैबलेट भी नहीं लिया था, प्लस उसने 7:30 बजे 8 बजे खाना खाया, अच्छे से मजे में था, टीवी देख रहा था, बाकी लड़कों के साथ मजे कर रहा था, 11:30 बज गए वो दीवार के साथ ऐसे लिपट गया, तो बोला कि शायद हार्ट अटैक हुआ। ये कौन सा है ये वहाँ का रिपोर्ट जहाँ पर पेशेंट था, उसके बाद कहाँ लाया? हॉस्टल में। हॉस्टल में एक बंदा है जो ECG में है, मतलब ECG करता है पेशेंट का, तो उसको बताया कि मेरे सीने में दर्द है, वो बोल रहा है, उसने बताया मुझे सीने में दर्द, तो मैंने ECG किया, वो पॉजिटिव निकला, मतलब वो खराब निकला, मैं बता दूँ वो खराब निकला। तो मैं बता रहा हूँ अगर कोरोना वायरस से डेथ होती है, ये सबको पता है, सबको पता है, पेशेंट को आइसोलेशन पर रखा जाता है, अगर वो ज़्यादा क्रिटिकल है वो बोल भी नहीं सकता, वो कैसे खाना खा रहा था 4 बंदूक के बीच में एक मुर्दा मरता हुआ पेशेंट, कोरोना वायरस पेशेंट सबके सामने कैसे, अगर वो ऐसे सिचुएशन में उसको पकड़ा क्या एक, अगर एक जुर्म करेगा 10 कत्ल भी करेगा, कोई बंदा 10 कत्ल भी करेगा, सपोज 10 कत्ल करेगा, क्या उसके राइट्स नहीं है जीने के? अब क्या चाहते हो? नहीं, फिलहाल ये केस तो आप ऐसा करो, आप SP सोपोर से पूछो, जिसने उसको 5 महीने से रखा, जिसने 5 महीने से उसका बंद लगाया, अभी कोई चार्ज नहीं है, अभी कोई चार्ज नहीं है, किसी ना किसी से लगा होता है, जैसे लड़की है गलत इल्जाम, खानदार बंद, एम चलो एम लतीफ अहमद को रिश्तेदार, मतलब बच्चे रिश्तेदार, अस चलो तुम सर तुम ऐसा नवर हर कंस तम कमो मगर बचो दी रिटेन उन नफरस फसाव पत्स कर रोपये मार सत एफ आई आर से अभी आपकी क्या डिमांड से पहले ले सर, ये बता रहा हूं मेरी ये डिमांड है उसको जेल में मारो, वो ठीक था, उसको कोई कोरोना वायरस नहीं था, वो ठीक था, मैं दिखा कर वो दिलावा भी तो करे, मैं डेड बॉडी दी जाए और इस केस की अच्छे से ऑथेंटिकेट है ना वो होनी चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन, ये जो डेथ है ये हार्ट अटैक से हुई है क्या, कोरोना वायरस, अगर कोरोना वायरस है तो उसको हिसाब होना चाहिए, वो जो DC वहाँ पर इंचार्ज था उसने लापरवाही क्यों की? सलीम सर, हार्ट अटैक का तो बोल सकते, उन्होंने बोला कोरोना वायरस, तो वो फिर वहाँ पर क्यों था? आइसोलेशन तो बैक एक्चुअल
राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर ऑफर्स कोचिंग फॉर 11th 12th आर्ट्स एंड कॉमर्स ऑल सब्जेक्ट्स विद वैलीज टॉप फैकल्टी ऑन बोर्ड विजिट राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर कॉल ऑन 9622888333 9469888333